एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर ऑफ माइंड। आज हम फोर ब्रेन के बारे में जानेंगे, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को कमांड करती है। फोर ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट, कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट एरिया है। ये कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी, और साथ ही इमोशनल रिस्पॉन्सेज को भी। इसे दो मेन सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, टेलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम शामिल हैं। डायनसेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें से हर पार्ट हमारी डेली लाइफ के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। चलें पहले टेलेंसेफेलॉन के मेजर पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है, जो हायर ब्रेन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सेंसरी परसेप्शन, मोटर कमांड्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ये दो लेयर से मिलकर बनता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आउटर लेयर ग्रे मैटर से बनता है। ग्रे मैटर न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड फाइबर से बनती है, और वाइट मैटर सेकेंड लेयर है, जो ग्रे मैटर के नीचे होता है, और ये माइलिनेटेड एक्सोन से बनता है। बेसिकली माइलिन वाइट अपेयरेंस में होता है, इसलिए इसको वाइट मैटर कहा जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कॉन्वोलेटेड होता है। इसमें लार्ज फरोज होते हैं और स्मॉल फरोज होते हैं। लार्ज फरोज को हम फिशरीज कहते हैं, स्मॉल फरोज को हम सोकाई कहते हैं। ये फिशरीज और सोकाई इसे फोर मेन लूब्स में डिवाइड करता है, फ्रंटल लूप, पेरिटल लूप, टेम्पोरल लूप और ऑसिपिटल लूप। फ्रंटल लूप जो आगे की तरफ होता है, रीजनिंग, प्लानिंग और मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। पेरिटल लूप जो ऊपर की तरफ होता है, सेंस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। टेम्पोरल लूप जो साइड में होता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन और मेमोरी को हैंडल करता है। ऑसिपिटल लूप जो पीछे की तरफ होता है और विजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गायरीज भी होते हैं, जो ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं। ये फिशरीज और सोकाई को आपस में लिंक करते हैं। तीन टाइप्स के गायरीज होते हैं, प्री सेंट्रल गायरी, पोस्ट सेंट्रल गायरी और सुपीरियर टेम्पोरल गायरी। प्री सेंट्रल गायरी मोटर कॉर्टेक्स कंटेन करते हैं, पोस्ट सेंट्रल गायरी कंटेन सेंसरी कॉर्टेक्स और सुपीरियर टेम्पोरल गायरी कंटेन्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स। एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, फ्रंट एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स में तीन हमारे पास एरियाज आ जाते हैं, जिसमें सेंसरी एरिया आता है, मोटर एरिया आता है और एसोसिएटिव एरिया आता है। सेंसरी एरिया सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, मोटर एरिया वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, और एसोसिएटिव एरिया ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है। इसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, जो कॉर्पस कोलम्सम से कनेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर हेमिस्फेयर के बीच कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, इंश्योर करता है कि हेमिस्फेयर आपस में कम्युनिकेट करें और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करें। हम देख लेते हैं कि राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या काम करते हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज स्किल्स के लिए और रिलायंस ऑन लैंग्वेज। राइट हेमिस्फेयर विजुअल प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्किल्स इन द विजुअल आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग associates with the right hemisphere more than left. It is also credited with being more involved in emotionally. Its major task of right hemisphere is the appreciation of spectacle relations involved in processing of certain non-verbal information. ये थे major functions right hemisphere के और left hemisphere के। अब हम देख लेते हैं limbic system को। limbic system emotions, मेमोरी और मोटिवेशन के लिए बहुत क्रूशल है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हाइपोकैम्पस, एमिगडाला और सेप्टम। एमिगडाला को लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है एलिमेंट शेप। ये लोकेट होता है टेम्पोरल लूप के बेस पर। ये हमें हेल्प करता है कि हम ऑब्जेक्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, जो कि और एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि
आप अप्रोप्रिएट फूड लें, अप्रोप्रिएट आपके मेट्स हों और आपके सोशल ड्राइवर्स। ये इमोशनल अवेयरनेस में भी इन्वॉल्व है और एक्सप्रेशंस में भी। ये प्रोड्यूस करता है रिएक्शन ऑफ रेग और एग्रेशन व्हेन स्टिमुलेटेड। हाइपोकैम्पस देख लेते हैं। ये हमारा पार्ट है एक लिम्बिक सिस्टम का। ये मेडियल टेम्पोरल रूप में पाया जाता है। ये मेनली एसोसिएट करता है मेमोरी के साथ, जो कि पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है स्पेक्टिकल नेविगेशन में। अगर हमारा हाइपोकैम्पस को कोई डैमेज हो जाए तो ये लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकती है और न्यू मेमोरीज को एस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है स्पेक्टम। ये एक और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि ऑपोजिट अफेक्ट करता है एमिगडाला के फंक्शन से। ये रिड्यूस कर देता है इंटेंसिटी को इमोशंस की जो हम स्टिमुलेट करते हैं, और ये लोकेटेड है बैक एंड ऑफ द इनर पार्ट ऑफ फ्रंटल लूप के। बेसल गैंगलिया न्यूक्लियाई के एक ग्रुप है जो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और वेरियस कॉग्निटिव और इमोशनल फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ये हैबिट फॉर्मेशन और प्रोसीजरल लर्निंग में की रोल प्ले करता है। अब चलें डायलन सेफेलॉन को एक्सप्लोर करते हैं। बस देखते हैं, सबसे पहले थैलेमस जो है रिले स्टेशन है, जो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिट करता है। ये कॉन्शियसनेस, स्लीप और अलर्टनेस को रेगुलेट करता है का एक मेन रोल है। ये डिफरेंट मैसेज जो है वो बॉडी तक सेंड करता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक मैसेज को पहुँचाता है। फिर इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस लोकेटेड होता है बिलो द थैलेमस के। ये 1/10 ऑफ साइज होता है थैलेमस के, और ये हमारे जो बॉडी है उसके डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करता है। फर्स्ट एप्लायर सेंटर है हमारी बॉडी का, और इसके साथ ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी अटैच्ड है। वाटर मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होता है, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो थर्मोस्टेट के तौर पर काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखते हैं। इसके अंदर दो तरह के सेंटर पाए जाते हैं, जैसे फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर। फीडिंग सेंटर टर्न ऑन होता है व्हेन वी फील हंग्री, और सेटाइटी सेंटर हमें टर्न ऑफ करता है जब हम फीलिंग हमारी हंगर की ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर हमारे वेक स्लीप साइकिल्स भी होते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन रखता है, और ये रेगुलेट करता है हमारे मोटिवेशनल बिहेवियर को। समराइज कर लेते हैं फोरब्रेन को। फोरब्रेन हमारे ब्रेन का एक इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स और वाइटल पार्ट है, जो बेसिकली सर्वाइवल फंक्शन से लेकर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस तक सब कुछ गवर्न करता है। हमारे अगले एपिसोड में हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक्सप्लोर करेंगे। न्यूरोसाइंस के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। स्टे ट्यून और अपने माइंड को एम्पावर करते रहें। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें फॉर मोर इनसाइट इन द पावर ऑफ योर माइंड। देखने के लिए शुक्रिया।